हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 5 में सेक्शन ए देखेंगे, सेक्शन ए बी सी डी। नाउ सेक्शन ए में मोस्टली क्वेश्चंस तो थियोरिकल हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट सम्स हैं, हार्डली 4 to 5 मिनट्स में सम्स हो जाएंगे, ऐसे शॉर्ट सम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट मीन्स Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है। जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब स्क्यूनेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों क्वार्टाइल्स को प्लस करेंगे और उसमें से माइनस 2m करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में कोई भी फॉर्मेट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 2m। ये माइनस 2m था, राइट हैंड साइड प्लस 2m हो गया और 0 प्लस करेंगे तो 2m ही रहने वाला है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू 2m माइनस Q3, Q3 को माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड गया तो Q3 माइनस हो गया। या इस इक्वेशन में से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q3 इज इक्वल्स टू 2m माइनस Q1। सो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। से यहां पर देखिए ए ऑप्शन Q3 इक्वल्स टू 2m माइनस Q1, Q3 इज इक्वल्स टू 2m माइनस Q1, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूला ये हो गया सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, स्क्यूनेस 0 हो जाएगा, स्क्यूनेस जो है वो 0 हो जाएगा। आप बॉलिस मेथड करके आए हो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m होता है। बॉलिस मेथड में मैं आपको स्क्यूनेस दिखाऊं, फॉर्मूला वाला पेज ये रहा हमारा, स्क्यूनेस इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, एंड जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब स्क्यूनेस 0 हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन ए। नाउ आगे सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन बी क्वेश्चन 16। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 16। इफ Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 125 एंड m इक्वल्स टू 62.5 फॉर अ सेट ऑफ डेटा, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स स्क्यूनेस। उसके स्क्यूनेस के लिए आप क्या कहोगे? सो स्क्यूनेस इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। स्क्यूनेस इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m करेंगे। नाउ Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है हमें 125 माइनस 2 इंटू m 62.5। सो 125 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी स्क्यूनेस 0 हो जाए, आप यहां पर भी सीख कर आए, क्या होता है ये सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यूनेस 0 हो जाएगा या तो फिर Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 2m होंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये भी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम ऊपर सेक्शन ए में सीख कर आए। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहेंगे। अगर हमारा दोनों क्वार्टाइल्स का टोटल
मीडियन इंटू टू आता है या तो फिर क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम जीरो हो जाता है तो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे सेक्शन बी में, सेक्शन बी ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। मीन इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू 48 इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वॉट कैन यू से अबाउट इट्स कॉफिशेंट। नाउ मीन मीडियन मोड दिया हुआ है, क्वार्टाइल्स तो दिए नहीं हुए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन्स मेथड में मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बट यहां पर जैसे ही हम लिखेंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, सो मीन है 48, मोड भी है 48, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ हो लेकिन 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, यहां पर भी लिख देंगे देयरफॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये था सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी स्टार्ट करना है, ये नोट डाउन कर लो आप, ये दोनों पेजेस नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूं मैं। यह है सेक्शन ए क्वेश्चन 9, सेक्शन बी क्वेश्चन 16, यह है सेक्शन बी सेम क्वेश्चन 17, नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस एस के इक्वल्स टू माइनस 2.8 इफ इट्स मोड इज 48.8 फाइंड मीन। स्क्यूनेस दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, मीन कैलकुलेट करना है, सो कार्ल पियर्सन्स मेथड है स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। अब स्क्यूनेस की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, माइनस 2.8। इफ इट्स मोड इज 48.8 मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो देयरफॉर अब ये माइनस 48.8 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएंगे इज इक्वल्स टू मीन, सो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 48.8 में से 2.8 माइनस करेंगे सो आंसर आ जाएगा 46, आंसर होगा 46। तो यह है सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स, एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स का मतलब होता है Q3 प्लस Q1, एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स का मतलब होता है Q3 प्लस Q1, ठीक है, सो दोनों का टोटल दिया हुआ है Q3 प्लस Q1
द सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल इज 138. इन अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड इट्स मीडियन. नाउ इन सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताना होगा, इन इन सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहां पर सिखाया Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 2m. Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 2m. नाउ Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है 138 इज इक्वल्स टू 2m. सो देयरफॉर 138 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू m. सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 138 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 69. सो ये है क्वेश्चन नंबर 6, हमने मीडियन कैलकुलेट किया. सो स्टूडेंट ऐसे शॉर्ट सम्स हैं, एक लेक्चर में हार्डली मुझे 15-20 मिनट का लेक्चर बनेगा और 5-7 शॉर्ट सम्स हो जाएंगे. सो सेक्शन सी में हमें बहुत सारे सम्स करने हैं. ये देखिए, ये मैंने टिक करके रखे हैं, ये सारे ही सम्स मैं आपको करवाऊंगा. मोस्टली आपका चैप्टर पूरा ही कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे. सो ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में. इतना नोट डाउन कर लीजिए, इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करवाऊंगा.